को किसी भारी पत्थर या ऐसे ही किसी चीज से कुचला गया है। लाश पूरी तरह से सड़ चुकी है, चेहरे को भी बुरी तरह से कुचला गया है। हो सकता है टायर चेहरे पे चढ़ा दिया गया हो ताकि पहचाना नामुमकिन हो। मौत सर पे किसी ब्लंट ऑब्जेक्ट के मारने से। कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं है, कोई सुराग नहीं है। हर बार जब कोई कातिल लाश का चेहरा बिगाड़कर विक्टिम की आइडेंटिटी छिपाने की कोशिश करता है तो वो दरअसल अपना चेहरा छिपाने का नाकाम प्रयास कर रहा होता है। हाँ, ऐसी विकृत हरकत से पुलिस इन्वेस्टिगेशन को चुनौती जरूर मिलती है, लेकिन आज के केस में यह चुनौती विपरीत थी, चरम सीमा पार कर गई थी। एक संगीन जुर्म से जुड़ा छल, कपट और घातक इरादे सभी अपनी चरम सीमा पार कर गए थे। हेलो, ये भी कोई पूछने की बात है? बोलो कब आना है। अरे आ जाओ, जल्द से जल्द आ जाओ, खूब ऐश करेंगे, खूब बातें करेंगे, आ जाओ। ठीक है, हम जल्द से आने का प्रोग्राम बनाते हैं। हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत करना। चलो रखते हैं। ये कहानी इस 23 साल के लड़के की है। दो दिन बाद इसकी लाश बरामद होगी। कई दिनों तक एक लड़की उस लड़के तक पहुंचने की नाकाम कोशिश करती रहेगी। हाँ, हम कॉलेज जा रहे हैं। हाँ, शाम को देर मत करना। कई दिनों तक उस लड़के के माँ बाप और छोटा भाई इस बात से बिल्कुल अनजान होंगे कि उनके बेटे और एक भाई के साथ क्या हुआ है। और हत्यारे कई दिनों तक खुलेआम घूमेंगे, उनकी पहचान गुप्त रहेगी और उन्हें इस बात का पूरा कॉन्फिडेंस होगा कि उनका यह संगीन जुर्म कभी सामने नहीं आएगा। और ऐसा ही हुआ। लाश मिलने के बाद महाराष्ट्र पुलिस कई दिनों तक कई दरवाजों पर दस्तक देती रही, इस लाश की शिनाख्त करवाने की जी तोड़ कोशिश करती रही। कौन था यह लड़का, कौन थे इसके हत्यारे और क्यों हुआ था यह कत्ल? पुलिस के सामने ये तीन अहम सवाल थे। उनके सामने एक और पेचीदा केस था, एक और चुनौती। अच्छा, खंडर के अंदर। ठीक है वही रखो, हम पहुंच रहे हैं। यादव एक टीम रेडी करो, तुरंत निकलना है। ओके सर। सर फोन ले। मलेर गांव से पुलिस पाटिल भूषण राणे का फोन था, उन्हें वहां एक लाश मिली है। भूषण से कहो पता करे, वो लाश किसी गांव वाले की तो नहीं? सर उसका कहना है कि लाश का चेहरा पूरी तरह बिगड़ा हुआ है। मतलब बिगाड़ दिया गया। निलेश, हमने कितनी बार मर्डर केसेस में देखा है कि कातिल ने कत्ल के बाद लाश का चेहरा बिगाड़ दिया। इस बार भी मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि कातिल ने लाश की सारी आइडेंटिफिकेशन हटा दी होगी। सर आप सही कह रहे थे, लाश पे और कपड़े पे कोई भी सुराग नहीं। साहब सुबह सुबह 8:30 बजे लोग मेरे पास आए, बोले ऐसा ऐसा हुआ है। मैं आया इधर, देखा और तुरंत आपको फोन कर दिया। साहब मर्डर शायद इसी वेपन से हुआ है। सर तहकीकात शुरू करने के लिए हमारे पास सिर्फ ये आधी बोतल विस्की की है, एक मर्डर वेपन है और ये लॉकेट में किसी बाबा की तस्वीर है। नहीं सर, इस बाबा को तो पहले कभी नहीं देखा गांव में, गांव वालों से पूछते हैं। शेख यादव। यस सर। कहीं बैठला कर? नहीं सर, अजून कहीं नहीं बैठला। इन बाबा को किसी ने देखा? कोई जानता हो? ध्यान से देखो। नहीं सर। नहीं सर। शेख यादव पूरा इलाका छान मारो। जी सर। नीलेश बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेजो।
विक्टिम की एज तो पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पता चलेगी। रोशन जी, तब तक एक काम करो, मलेर गांव और आसपास के गांव में पता करो जी, कोई झगड़ा हुआ हो, कोई पुरानी दुश्मनी, कोई हाथापाई। जी सर। लेकिन साहब मुझे लगता है ये आदमी हमारे गांव का नहीं है, क्योंकि हमारे गांव का होता तो अब तक तो पता चल जाता। सर पर जबरदस्त वार किया गया है, दो टुकड़े हो गए हैं सर के। कत्ल इसी चॉपर से हुआ डॉक्टर? बुरी संभावना है, क्योंकि चॉपर पर हमें जो खून के ट्रेसेस मिले हैं वो बॉडी के खून से मैच करते हैं, ए बी पॉजिटिव। कत्ल कब हुआ होगा? 12 घंटे से ज्यादा नहीं हुआ इंस्पेक्टर, और बॉडी में अल्कोहल लेवल काफी है। हमें क्राइम सीन से शराब की बोतल मिली है। विक्टिम की एज क्या होगी? यंग है, यही 22 से 25 के बीच। आप लोग ऐसे चेहरे की तस्वीर सर्कुलेट नहीं कर पाओगे। हम इस चेहरे को ग्राफिक से रिक्रिएट करने की कोशिश करेंगे। अभी सुराग के तौर पर हमारे पास ये 3 सुराग हैं, ये लॉकेट, ये चॉपर और ये शराब की बोतल। अब देखते हैं इन तीनों में से कौन सा सुराग पहले रंग लाता है। विक्टिम की एज, हाइट, ब्लड ग्रुप और कपड़ों से मिली जानकारी जिले के सभी थानों में भेजो सर, और वहां से जितनी भी मिसिंग कंप्लेंट्स मैच होती हैं उन्हें मंगवाओ। रिक्वायरमेंट भेज दी गई है सर। बॉटल के ऊपर पैकेजिंग का बैच नंबर है, इसलिए अगर विस्की की कंपनी से होलसेलर से रिटेलर इस रूट से ट्रेस करने जाएंगे तो बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो वो भी करेंगे। फिलहाल इलाके की सभी वाइन शॉप में जाकर ये बैच नंबर चेक करो। सर एरिया में बार वाले भी बोतल भेजते हैं, तो बार और वाइन शॉप दोनों जगह चेक करो। जी सर। हमारे देश में बाबाओं की कमी नहीं है, हर गली हर मोहल्ले में एक मिलेगा। सर लॉकेट में तस्वीर है तो शायद इसकी कोई फॉलोइंग भी होगी, थोड़ा टफ है लेकिन स्कैन करके देखता हूँ। जल्दी करो, क्योंकि हमें पता करना है कि यह आदमी कौन है, इसे किसने और क्यों मारा, इसे उसी जगह मारा गया या मारने के बाद उस जगह पर लाकर इसे छोड़ा गया, और ये चॉपर और ये लॉकेट ये वो जल्दबाजी में भूल गए या हमें झूठे सुरागों की भूल भुलैया में धकेल कर चले गए। जमाने में साधु बाबा को ढूंढ निकालना मतलब घास के ढेर में सुई ढूंढने जैसा है मालिक। तभी तो ये काम तुझे दे रहा हूँ गोविंद, सुई जैसी तेज नजर है तेरी। मैं अपनी तरफ से पूरी ट्राई करूंगा, बाकी सबसे बड़े बाबा जी की इच्छा। साहब ये हमारे आसपास के 4 गांव के सरपंच है, हम सब लोगों ने मिलकर हर घर में जाके पूछताछ की, किसी भी घर से कोई भी गायब नहीं हुआ है और किसी की किसी के साथ कोई दुश्मनी भी नहीं। पुराने 22 से 30 साल के लड़कों के बीच में झगड़े होते हैं, थोड़ा और गहराई से पता लगाओ। हाँ साहब वो तो करेंगे, लेकिन साहब अभी तक तो ऐसे ही लग रहा है कि ये लाश किसी लोकल लड़की की नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई मिसिंग होता तो हमें तो पता चल ही जाता। ठीक है, फिर भी कुछ पता चले तो हमें बताना। सर मलेर गांव के आसपास के 3 गांव में किसी झगड़े की कोई खबर नहीं, जिले के सभी पुलिस स्टेशन से जवाब आया है कि इस प्रोफाइल से मिलती जुलती कोई भी मिसिंग कंप्लेन दर्ज नहीं हुई है, कम से कम पिछले 3 हफ्तों में तो बिल्कुल नहीं। लॉकेट वाले बाबा या उस विस्की की बोतल पे कोई प्रोग्रेस? पूछताछ चल रही है सर। निलेश कहीं ऐसा तो नहीं जो शख्स मारा गया वो महाराष्ट्र के बाहर का था? मिसिंग कंप्लेंट्स तो हमने पूरे महाराष्ट्र से मंगवाई है सर, लेकिन कोई भी मैच नहीं हुआ। तो फिर शायद वो महाराष्ट्र के बाहर का ही होगा। लेकिन सर बाहर के किसी भी पुलिस स्टेशन से ऐसी कोई इंक्वायरी नहीं आई, हो सकता है उसकी मिसिंग कंप्लेंट किसी ने दर्ज ही ना करवाई, हो सकता है उसके आगे पीछे कोई हो ही ना। कहाँ जा रही हो दीदी? बाहर। बाहर कहाँ? दोस्त से मिलने। You have called is currently switched off.
पर इतने दिन के लिए भी क्यों जाओगे तुम? अरे कुछ काम है इसलिए जाना पड़ रहा है हमें। ऐसा भी क्या काम है? अब वो हम तुम्हें नहीं बता सकते। हमें भी नहीं बता सकते? अरे बुद्धू, तुम्हें इसलिए नहीं बता रहे क्योंकि हम तुम्हें सरप्राइज देना चाहते हैं। देखो प्लीज हमें बता दो, पता नहीं क्यों हमें बहुत टेंशन हो रही है, ठीक नहीं लग रहा हमें कुछ, प्लीज। थोड़ा सब्र रखो, तुम्हें ऐसी गुड न्यूज देंगे कि झूम जाओगे तुम, और ऐसी गुड न्यूज ना तुमने कभी सुनी नहीं होगी। चलो अब मुस्कुरा दो फटाफट से, चलो 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 चलो। माल बस अभी उतर ही रहा है। हाँ हम कल अतुल के हाथ बिल भिजवा देंगे आपके पास। एक प्रेमिका बेचैनी में लिप्त और एक भाई मजबूरी में कैद। महाराष्ट्र के पालघर इलाके में फतेहपुर जिले के एक युवक की हत्या हुई थी, पर उसकी प्रेमिका ज्योति और उसका छोटा भाई अतुल इस बात से बिल्कुल अनजान थे। उस युवक का फोन बंद था। इस अजीब खामोशी के बावजूद भी इन दोनों पार्टीज ने कोई मिसिंग कंप्लेंट दर्ज नहीं की। ऐसा क्यों था? दूसरी तरफ पालघर पुलिस को इस ब्लाइंड केस में अपना पहला ब्रेक थ्रू नजर आने लगा था। योगिनेश महाराज, यज्ञेश महाराज, प्रभु निकेतन आश्रम, कानपुर, उत्तर प्रदेश। हमने धन को अपने जीवन में इतना आवश्यक बना दिया कि हमें ऐसा लगता है कि सब कुछ धन है, धन आवश्यक है, लेकिन उतना नहीं। जो मैं सोच रहा था शायद वही सही है। विक्टिम आउट ऑफ महाराष्ट्र से यहां आया होगा, मेबी कानपुर साइड से। हो सकता है इस यज्ञेश महाराज के आश्रम से हमें विक्टिम के बारे में कुछ पता चले। एक काम करो, एक टीम तुरंत रवाना करो कानपुर। पीएसआई धनावड़े। हाँ जादव बोलो। सर वो दारू की बोतल का बैच नंबर मैच कर गया है। कहाँ पर? सर हाईवे से थोड़ा अंदर एक निराली बार है, वहीं से बेचा गया था यह बोतल। ऐसे लाखों भक्त हैं जो हमारे यज्ञेश महाराज का लॉकेट पहनते हैं, पर ऐसे इस योग की पहचान करना बहुत ही कठिन है। महाराज के महाराष्ट्र में भक्तगण है पालघर साइड में। महाराज को देश विदेश से सत्संग के न्योते आते हैं, और एक बार जब सत्संग हो जाता है तो अपने आप भक्तों का परिवार वहां बन जाता है। वैसे पाल घर में कोई मंडल नहीं। हाँ, मुंबई में बोरीवली इलाके में एक जरूर है जहां महाराज साल में एक बार दर्शन देते हैं। आयोजन कौन करता है बोरीवली में? नाम नंबर पता कुछ दे सकते हैं? जी जरूर। और हाँ, हमारे ज्यादातर भक्त यहाँ यूपी के ही हैं। मैं ये साहब को बोला था कि वो हाफ बॉटल विस्की इधर से गए। ये रिसीट 27 अक्टूबर को 9:40 का सेल है। 27 अक्टूबर को रात 9:40 पे ये बॉटल यहाँ से खरीदी गई, और अगले दिन सुबह 28 अक्टूबर को हमें वो लाश मिली, और लाश के पास ये विस्की की बॉटल। ये साहब ने मेरे को लाश का फोटो बताया, लेकिन साहब रात का टाइम, इतना कस्टमर कैसे पहचानेगा? ऊपर से नॉर्मल फोटो भी नहीं, कंप्यूटर कॉपी। तुम लोग हर टेबल के हिसाब से ऑर्डर नोट करते हो? करेक्ट सर। 7 नंबर टेबल से विस्की का हाफ ऑर्डर किया था सर। हमारे पास सीसीटीवी कैमरा भी है। सीसीटीवी है? मुझे 27 अक्टूबर की रात की फुटेज चाहिए, जल्दी। मैं लड़की को सीढ़ी बनाने को भेजा, पहले से मालूम था।
आप तब तक चाय ठंडा कुछ? सादा पानी। गौरंग त्रिवेदी, गौरंग ट्रेडर्स, मंडपेश्वर रोड, बोरीवली। हेलो, कौन बोल रहा है? गौरंग त्रिवेदी जी। जी बोल रहा हूँ, आप कौन? मैं बागडोली पुलिस स्टेशन पालघर से कांस्टेबल जादव बोल रहा हूँ। हाँ बोलिए। हमारे हाथ एक मर्डर केस आया है, उसके बारे में बात करनी थी। मर्डर केस? मुझसे क्या बात करनी है? आप यज्ञेश महाराज के भक्त है ना? जी हाँ, मैं यज्ञेश महाराज का भक्त हूँ। जिस लड़के की लाश मिली है वो शायद यज्ञेश महाराज का भक्त था। अच्छा, महाराज जी का भक्त था, बताइए। कानपुर के आश्रम वाले ने बताया कि आप उनका मुंबई में सत्संग करवाते हैं। जी, मैं ही कराता हूँ उनका सत्संग। तो क्या आप उस आदमी को पहचान पाएंगे? उसके लिए आपको यहाँ आना पड़ेगा पालघर। आ तो जाऊंगा, पर आज नहीं, अभी धंधे का टाइम है, मैं कल पक्का आऊंगा। ठीक है, कल आ जाइए। सर, ये टेबल नंबर 7 है, इनमें से कोई एक हमारा सस्पेक्ट। इस एंगल से इनके चेहरे साफ नजर नहीं आ रहे, दूसरी सीट लगाओ। सर, ये विक्टिम, हमें जो लाश मिली थी उसने यही कपड़े पहने थे, और ये जो दोनों इसके साथ हैं, ये या तो इसके रिश्तेदार हैं या फिर बहुत ही अच्छे दोस्त। हंसी मजाक हो रहा है, शराब पी जा रही, और विक्टिम इस बात से बिल्कुल बेखबर था कि कुछ देर बाद ये दोनों इसके साथ क्या करने वाले। लेकिन सर, ये भी तो हो सकता है ये तीनों यहाँ से बाहर निकले हों और अपने अपने रास्ते हो लिए, और उसके बाद किसी और ने इसे मार डाला। ये देखो, शायद ये वही विस्की की बोतल है जो हमें क्राइम सीन पर मिली है। इन तीनों ने बार में खूब शराब पी, फिर एक विस्की का हाफ और मंगवाया, और शायद उसे लेकर ये क्राइम सीन पर गए होंगे, और वहां जाकर इन्होंने कत्ल कर दिया। पूरे चांसेस हैं कि ये कत्ल इन दोनों ने किया होगा और ये चौपर इन्हीं के पास होगा। सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि इन दोनों ने इसे मार डाला? यहाँ पे तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, हंस रहे। हंसते हुए चेहरे अक्सर रोते हुए जख्मों के नकाब होते हैं। अब ये कातिल ही इस कत्ल की पूरी दास्तां बयान करेंगे। ये लड़का कौन था, कहां का था, यहां कैसे आया और क्यों मारा गया। पूरे चांसेस हैं कि ये कत्ल इन दोनों ने किया होगा और ये चौपर इन्हीं के पास होगा। सर, लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि इन दोनों ने इसे मार डाला? यहां पे तो लोग काफी खुश नजर आ रहे हैं, हंस रहे। हंसते हुए चेहरे अक्सर रोते हुए जख्मों के नकाब होते हैं। अब ये कातिल ही इस कत्ल की पूरी दास्तां बयान करेंगे। ये लड़का कौन था, कहां का था, यहां कैसे आया और क्यों मारा गया। लाश इस लड़के की? जी नहीं इंस्पेक्टर, मैं इसे नहीं जानता। वैसे तो यज्ञेश महाराज जी के सत्संग में हजारों लोग आते हैं, लेकिन मैंने इस लड़के को पहले कभी नहीं देखा। इन दोनों लड़कों को कभी देखा हो? नहीं इंस्पेक्टर साहब, इन दोनों को भी नहीं जानता। हो सकता है कि ये दोनों हमारे महाराज जी के किसी भक्त के रिश्तेदार हों या दोस्त हों, और ये पता करने के लिए मुझे इन तीनों के फोटोग्राफ्स को भक्तों के बीच में सर्कुलेट करना होगा, और आप तो जानते ही हैं कि भक्तों की तादाद काफी होती है। कोई बात नहीं, आपको इन फोटोग्राफ्स की कॉपीज मिल जाएंगी। जी, भक्तों को दिखाना शुरू कीजिए। जरूर जरूर। हाँ साहब, ये हमारा वेटर है संजय वेलनकर। बुलाओ इसे। मंजुनाथ, संजय वेलनकर को जल्दी बुलाओ। जी अन्ना। नमस्ते साहब। साहब, ये टेबल नंबर 7 पे बैठा था, उस रात मेरा ड्यूटी था। उस रात इन तीनों ने टेक अवे बिस्की ऑर्डर की थी? हाँ साहब, वो रेस हॉर्स का आधा खंबा ऑर्डर किया था। सुन, एक रेस हॉर्स विस्की का हाफ पार्सल लेना। बिल्कुल साहब।
और ये आपका रेस हॉर्स विस्की का हाफ और ये बिना। सर बिल के पैसे दिए और तीनों निकल गए। संजय अब जो मैं तुमसे कह रहा हूं उसे ध्यान से सुनना। इन तीनों में इस लड़के का शायद मर्डर हो चुका। क्या तुम इन तीनों के बारे में कुछ भी जानते हो? सर इन तीनों में से किसी को नहीं जानता हूं। तुमने इन तीनों की आपस में कोई बातचीत सुनी थी? ये तीनों एक दूसरे को किस नाम से पुकार रहे थे? सर वो पीक टाइम चल रहा था ना साहब, खड़े होने का फुर्सत ही नहीं है वो टाइम में, ऑर्डर पे ऑर्डर आ रहे थे। और सब जब तक बहुत बड़ा लफड़ा या राड़ा नहीं होता ना, या बहुत बड़ा टिप नहीं देता, कस्टमर का फेस कौन याद रखेगा साहब? संजय दिमाग पर जोर डालो और याद करने की कोशिश करो। कुछ भी, कोई भी बात, कोई भी इशारा, कोई भी नाम, कुछ भी। सॉरी सर याद नहीं आ रहा है। सर भी रेगुलर तो आते नहीं ना हो, रेगुलर कस्टमर को तो हम पहचानते भी है। अब पुलिस के पास एक चेहरा था जो शायद उस लाश का था जिसे कातिलों ने बिगाड़ दिया था। पुलिस के पास अब दो और चेहरे थे जो शायद कातिलों के थे, लेकिन पुलिस अब भी इन तीनों युवकों को पीड़ित और कातिल का दर्जा नहीं दे रही थी। बाहर से खरीदी गई और क्राइम सीन से पाई गई शराब की बोतल एक मजबूत सुराग था, लेकिन दिल्ली अभी बहुत दूर थी। कौन था ये पीड़ित, कौन थे ये तीनों लड़के और क्यों हुआ था ये कत्ल? इन सभी सवालों के जवाब इन बिखरे बिखरे सुरागों के बीच कहीं छिपे हुए थे। इंस्पेक्टर, मैंने अपने सत्संग में आने वाले प्रत्येक भक्तों से पर्सनली मीटिंग की है और बातें की है, और आपके दिए हुए फोटोग्राफ्स भी उन्हें दिखाए हैं, और उन्होंने भी अपने दोस्तों और रिश्तेदारों से इस विषय में बातें की है। लेकिन सॉरी इंस्पेक्टर, उस मारे गए लड़के को और बचे हुए उन दोनों लड़कों को कोई नहीं पहचानता है। कोई बात नहीं गौरव जी, लेकिन आप अपने कान और आँख दोनों खुले रखिएगा, और जब तक हम बताते नहीं ढूंढना बंद मत करना। पालघर पुलिस ने कड़ा सर्च ऑपरेशन लॉन्च किया, ये पता लगाने के लिए कि पीड़ित और उसकी मौत के पहले उसके साथ देखे गए दो युवक कौन थे, ताकि उनके बारे में कहीं से कोई सुराग उनके हाथ लग जाए। उसे एक लीड, उसे एक ब्रेक थ्रू की जरूरत थी जो कई कड़ियों को जोड़कर इस केस के ढांचे को एक आकार दे पाता। कुछ दिन और बीत गए, पर इन तीन युवकों के बारे में कोई भी खबर सामने नहीं आ रही थी। इंस्पेक्टर, खतना हुआ नहीं था, इसके गले में एक बाबा का लॉकेट भी था, समझ के चल सकते हैं कि विक्टिम मुस्लिम नहीं था। तो डॉक्टर आप क्या रिकमेंड करते हैं? डीएनए सैंपल्स मैंने ले लिए हैं, अब इसे और ज्यादा रख नहीं पाएंगे। आप फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कीजिए, हम क्रियाक्रम की तैयारी करते हैं। मुंबई से कब आने की बात कहकर गए हैं जनाब? पक्का तारीख तो नहीं बताया, पर कह रहा था कि एक महीना तो लग जाएगा। और ऐसा कौन सा तीर मारने गया वो मुंबई? हमें भी कुछ बताकर नहीं गए थे भैया, हमने पूछा भी था कि अचानक दीदी से मिलने के प्लान और उसके बाद सीधा मुंबई साइड जाने का प्लान कैसे बन गया। तो क्या बोला वो? बोले कि जिंदगी में सब कुछ अचानक ही हो जाता है, प्लानिंग से प्लानिंग तक नहीं हो पाती। लाइफ में जितना प्लानिंग व्लानिंग करना है कर लो, होगा वही जो तुम्हारी किस्मत में लिखा है। जिस चीज से तुम्हें जीरो एक्सपेक्टेशन होगी ना, वही से धड़धड़ा के सामने आ जाएगी। लेकिन कुछ तो बताते जाओ भाई, अचानक दीदी से कहाँ मिलने जा रहे हो? कुछ बात बात है क्या? देखो भाई, हम सुनते हैं अपने दिल की, हमारा दिल कह रहा है हमें जाने के लिए, इसलिए हम जा रहे हैं। चलो चलते। ऐसा भी क्या है बेटा जो तुम हमसे छिपा रहे हो? मुंबई कोई घर दुहारी है? कितना दूर है मुंबई, और वहां कैसे रहोगे, क्या करोगे, कुछ तो पता होना चाहिए ना घर वालों को। देखो माँ, भरोसा रखो हम पर, लौट कर आकर ऐसी खबर सुनाएंगे खुशी के मारे लट्टू हो जाओगे तुम। और हमारा फोन थोड़ा बंद रहेगा वहां पे, क्योंकि वहां नेटवर्क का प्रॉब्लम है, तो चिंता मत करना। तुम संगीता दीदी को बताए हो कि तुम उससे मिलोगे? हम बताए उन्हें, और हम उन पे बोझा नहीं बनेंगे, बस एक रात रुकेंगे फिर चले जाएंगे मुंबई। बस उस दिन जो चल दिए, अब तक कोई खबर नहीं है उनकी, ना ही कोई फोन, ना ही कोई मैसेज। हमको कोई बताएगा ऐसे कौन से खुफिया मिशन पर गया है ये मेरा हीरो? हैं, फोन वोन भी सब बंद किए।
वो तो उसने बताया था ना कि उसका फोन नेटवर्क में नहीं होगा, तो चिंता ना करें। क्या खाक चिंता ना करें? हैं? बचपन से बहुत ही जिद्दी रहा है ना वो, अपने ही कहेंगे अपने ही सुनेंगे, बीच में कोई बोल सकता नहीं उनके। अच्छा तुम एक बात बताओ, तुम्हें क्या लगता है वो खुद अपना ख्याल रख सकता है? दुनिया देखी है उसने, और उसे क्या पता कि एक एक दिन एक एक पल माँ बाप के दिल पर क्या गुजरती है। नहीं अतुल, और तो कुछ नहीं बताया, बस यही कह रहा था कि कुछ दिनों के लिए मुंबई जा रहे हैं और जब आएंगे तो बड़ा सा गुड न्यूज़ देंगे। तुम उस दिन हमारी दुकान की तरफ आई थी ना? हाँ, ये पूछने की सब ठीक तो है ना, बात हुई क्या तुम्हारी उससे? पता नहीं क्यों जान निकली जा रही है हमारी। हमें भी कुछ बता कर नहीं गए भैया, बस इतना बताए थे कि उनका फ़ोन आउट ऑफ रेंज रहेगा। हमसे भी यही कहा था, पता नहीं क्यों हमें कुछ ठीक नहीं लग रहा। देखो तुम टेंशन ना लो, अगर भैया का तुम्हारे पास कोई फ़ोन आता है तो तुम हमें बता देना, और अगर हमारे पास कोई फ़ोन आता है तो हम तुम्हें बता देंगे। तुम्हारा नंबर नहीं है हमारे पास, नंबर दो। सर खबरी नेटवर्क पूरी तरह ऑन है, लेकिन अभी तक कुछ भी हाथ नहीं लगा। सर मुझे लगता है ये तीनों लड़के अपने पालघर के नहीं है, शायद महाराष्ट्र के ही नहीं है, वरना जितना जोर हम लोग लगा रहे हैं इतने में तो अब तक गारंटी से पूरा चिट्ठा खुल गया होता है। सर वैसे भी हम कई बार देख चुके हैं, लोग किसी के कपड़े किसी का लॉकेट किसी को पहना देते हैं और कत्ल करके निकल जाते हैं। मतलब मरने वाला शायद कोई चौथा ही था, जैसा हम सोच रहे हैं उसके बिल्कुल उल्टा होने को हो सकता है। सर नीलेश, अगर होने को हो सकता है ये क्यों नहीं हो रहा कि हम इन तीनों में से अभी तक किसी एक तक भी क्यों नहीं पहुंच पा रहे, जबकि हमारे पास सुरागों की कमी नहीं है, हमारे पास मर्डर वेपन है, शराब की बॉटल है, सीसीटीवी फुटेज है, और यहां तक कि हमारे पास लाश भी थी, और क्या चाहिए। शेख तुम बता रहे थे कि उस आश्रम के आदमी ने तुम्हें बताया कि उस बाबा के ज्यादातर भक्त यूपी के। जी सर। एक काम करो, यूपी पुलिस को इस केस की सारी डिटेल भेजो और लाश की फोटो भी भेजो। सर। और हाँ, वहां के सभी अखबारों और लोकल टीवी पर यह न्यूज चलवा। आराम से इसे फटाफट उठा, फटाफट फटाफट। वे देख कर चलो बिरजू। बोल क्या बात है, बड़े दिनों बाद याद आई अपनी दीदी की। दीदी भैया, भैया आपके आए थे क्या? हाँ आया था ना कुछ दिन पहले, क्या बात है वो घर नहीं लौटा अभी तक? वो आपके यहाँ कब आए और वहाँ से कब निकले वो? अरे लेकिन मुझे बता तो कि क्या बात है। हम कहें ना, पहले बताइए वो आपके यहाँ कब आए और वहाँ से कब निकले वो? अक्टूबर 25 को वो यहाँ आया था, फिर 27 की सुबह मुंबई के लिए निकला था। वो कह रहा था कि वहाँ उसका कुछ काम है, वो करके फिर फतेहपुर लौटने वाला है। लेकिन तू मुझे अब तो बता कि माजरा क्या है। अतुल, ए अतुल चल। दीदी हम आपको बाद में फोन करते हैं।
किससे बात कर रहा था मेरे लाल? आज भूख नहीं लगी है क्या? हैं? चल जल्दी से हाथ मुंह धो ले, खाना खाते हैं। क्या हुआ, कुछ बोलता क्यों नहीं है? तबीयत तो ठीक है तेरी? अरे बाप हूं तेरा, बता क्या है ये? बागडोली पुलिस स्टेशन, PSI नीलेश धनावड़े बोल रहा हूँ। सर हम अतुल राजपूत बात कर रहे हैं, फतेहपुर UP से। हाँ अतुल जी बोलिए। जी वो महाराष्ट्र पुलिस ने अखबार में इश्तेहार दिया है एक लाश के बारे में जो आपको 28 अक्टूबर को मिली है। हाँ आप जानते हो उस लाश के बारे में? सर हम दावे के साथ तो कुछ नहीं कह सकते हैं, लेकिन वो जो कपड़े दिखाए हैं और हाइट, ब्लड ग्रुप, गले में महाराज का लॉकेट, वो सब कुछ हमारे बड़े भैया से मैच करता है। सर आपके बड़े भैया मुंबई आए थे? जी सर अहमदाबाद से मुंबई आए थे। हमारी बड़ी दीदी अहमदाबाद में रहती हैं, वो उन्हीं से मिलने गए थे। उसके बाद हमारी भैया से कोई बात नहीं हुई। सर क्या नाम है तुम्हारे भैया का? विकास राजपूत। देखो अतुल, हमारे पास एक CCTV फुटेज है जिसमें एक लड़का है जो हमारे हिसाब से वही है जो मारा गया। तुम एक काम करो, अपना मोबाइल नंबर दो, मैं तुम्हें उसकी फोटोग्राफ भेजता हूँ। विकास भैया ही है पापा। सर विक्टिम की फैमिली ट्रेस हो गई है यूपी के फतेहपुर जिले में। क्या नाम है विक्टिम का? विकास राजपूत नाम था सर, 23 साल का था, फतेहपुर जिले के दीरू गांव का रहने वाला था। वो दोनों लड़के, उनकी कुछ शिनाख्त? सर विकास के पिता और भाई कल यहाँ पहुंचने वाले हैं, दोनों की फोटोग्राफ्स उनको दिखाते हैं, शायद वो आइडेंटिफाई कर लें। 24 अक्टूबर 2015 को विकास राजपूत फतेहपुर से अहमदाबाद के लिए रवाना हुआ था अपनी बहन संगीता के घर जाने के लिए। अच्छा किया जो ऐसे अचानक मिलने आ गए। बस मन किया आपसे मिलने का, सोचा आ जाएं तो बस आ गए। हाँ विकास, एक दिन नहीं जाता जब हम तुम्हें और अतुल को याद नहीं करते। क्या मजेदार यादें थी हमारे बचपन की। बचपन के दिन तो बहुत अच्छे थे। अच्छा एक बात बताओ विकास, कि तुम हमसे मिलने आए हो या किसी काम से आए हो यहाँ? आए तो हम किसी और काम से ही हैं। पर जब हो जाएगा ना तब बताएंगे आपको, आप पापा मम्मी अतुल सब जानकर खुश हो जाएंगे। अच्छा ऐसा भी क्या राज है? वो हम आपको काम होने के बाद ही बताएंगे। साले साहब ऐसे ही आते जाते रहिए, अच्छा लगता है। जरूर जी। हाँ जी। और हाँ विकास, फोन करना जरूर, तुम्हारा राज वाला काम खत्म होते ही। मुझे सच में इसकी थोड़ी टेंशन हो रही है। देखो ना, कह रहे कि फोन ना लगे तो फिक्र ना करो। अरे दूध पीता बच्चा थोड़ी ना है, और वैसे भी अगर गुड न्यूज वाली सरप्राइज देना चाहता है तो उसे देने दो ना। चल यार संभल के जा, ऑल द बेस्ट काम के लिए। अब हम चलते हैं। बाय जी। हाँ जी बाय। बाय दीदी। बाय विकास, ख्याल रखना। सत्ताईस अक्टूबर को विकास मुंबई आया। उसकी यहां आने की वजह एक राज था। उसने किसी को नहीं बताया कि मुंबई में ऐसा क्या काम निकल आया था। उसकी अपनी गर्लफ्रेंड अनजान थी, उसकी अहमदाबाद में बहन अनजान थी, और फतेहपुर में उसकी मां, उसका भाई और पिता भी अनजान थे। और अब उसकी मौत की खबर आई।
क्या बता रहे थे वो लोग? क्रियाक्रम कर भी दिया बेटा, ऐसा ऐसा भी तो हो सकता है कि वो हमारा विकास ना हो, कोई और हो। पता नहीं पापा। क्या तुमको इन सब के बारे में कुछ भी पता था? जी नहीं, हम तो गांव वालों से सुने हैं, जैसे आप सुने हैं। ये विकास ने तुमको बताया कि मुंबई किस काम से जा रहा है? विकास भाई का ब्लड ग्रुप भी एबी पॉजिटिव ही था सर। 27 अक्टूबर को जब विकास अहमदाबाद में आपके घर से मुंबई के लिए निकला था, तब उसने यही कपड़े पहने थे। जी सर, विकास ने यही कपड़े पहने थे। देखिए, 28 अक्टूबर की सुबह को हमें ये लाश मिली थी। हमने इसकी आइडेंटिफिकेशन कराने की पूरी कोशिश की, लेकिन कुछ नहीं मिला। 3 हफ्ते बीत गए और फिर लाश सड़ने लगी, तो मजबूरन हमें इसका क्रियाक्रम करना पड़ा। किसने किया ऐसा? हमें सिर्फ शक है, अभी हम दावे के साथ कुछ नहीं कह सकते। हमारे पास सीसीटीवी फुटेज से लिए हुए फोटोग्राफ्स हैं, उनमें जो दो लड़के हैं वो 27 अक्टूबर को आपके बेटे विकास के साथ थे। जानते हो? हाँ सर, सर जानते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं सर। कौन है ये दोनों? सर सर, ये रवि पांडे है सर, सर ये सूरज पांडे, इसके ताऊ का लड़का है सर। लेकिन लेकिन ये लोग भैया के साथ क्या कर रहे हैं यहाँ पर? सर सर, क्या क्या इन्होंने ये भैया को बुलाया था? सर सर, क्या आपने पकड़ लिया इन्हें सर? नहीं, अभी हम इन दोनों तक नहीं पहुँच पाए। हमारे पास इन दोनों के लिए बहुत सारे सवाल हैं, लेकिन उससे पहले हमें कुछ सवाल आप लोगों से भी करने हैं। विजेंद्र जी, आपके बेटे विकास की पहचान करवाने का सफर हमारे लिए बहुत लंबा रहा, और अब ये दोनों लड़के रवि और सूरज क्या माजरा? देखिए, ये केस तभी सुलझेगा जब हम इस केस की तह तक जाएंगे, इसलिए प्लीज बताइए कि आखिर इन तीनों के बीच में क्या हुआ? इस मर्डर केस में कौन का पता चल गया था? अब कब और क्यों का पता लगाना बाकी था। पीड़ित विकास राजपूत को सूरज पांडे का मुंबई से एक फोन कॉल आया था। हम इंतजार कर रहे हैं, देर मत कर। और उसके बाद विकास मरा हुआ पाया गया। सूरज का कजन रवि भी उस रात वहीं था
जिस रात विकास का कत्ल हुआ, कत्ल के पहले ये तीनों एक साथ बैठकर शराब पी रहे थे। जो सीसीटीवी फुटेज में दिख रहा था, क्या वो सच था या फिर जो दिख रहा था वो किसी और ही सच पर चढ़ा एक मुखौटा था। उत्तर प्रदेश फतेहपुर की लड़की ज्योति गहरे शौक में थी और शोक भी मना रही थी। पहले वो कई दिनों तक विकास तक ना पहुंच पाने की वजह से परेशान थी और अब उसकी मौत की खबर सुनकर सुन पड़ गई थी। क्या ये कत्ल ज्योति से जुड़ा था? एक लावारिस लाश, एक ब्लाइंड केस की आइडेंटिफिकेशन करवाना पुलिस के लिए एक कड़ी चुनौती साबित हुई थी, जिसका पहला पड़ाव उन्होंने सफलतापूर्वक पार कर लिया था। इस केस का पीड़ित विकास भी एक चुनौती का सामना करने मुंबई आया था, पर दुर्भाग्यवश संतुलन और समझदारी ने उसका साथ नहीं दिया। ज्योति ने भी एक चुनौती का सामना किया था और अपने हक के लिए वो खड़ी हुई थी, और इन सब के बीच कोई ऐसा था जिसके सामने भी एक चुनौती थी, अपने टूटे हुए अहंकार का सामना करने की चुनौती। आखिरकार क्यों विकास को मौत के घाट उतार दिया गया? क्या इस मर्डर के पीछे सूरज और रवि पांडे थे? और वो कौन सा गुड न्यूज वाला राज था जिसे विकास ने अपने सभी चहीतों से छुपाया था और मुंबई चलाया था? कई अहम सवाल थे जिनके जवाब मिलेंगे कल रात 11 बजे इस केस के दूसरे और आखिरी भाग में। अब मैं अनूप सोनी आपसे विदा लेता हूं, फिर मुलाकात होगी। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें और देखते रहें क्राइम पेट्रोल सतर्क। सबक एक को सीख, हम सबको जय हिंद। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।